हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। नए लेक्चर के साथ एक बार बार स्वागत है। और आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक की पहली पोयम माय मदर एट 66। इस पोयम में कवित्री कमला दास अपने और अपनी माता के जो स्नेह है, जो अफेक्शन है उसका अपनी माता के प्रति, उसके बारे में बात कर रही है। क्योंकि उसकी माता जो है वो अक्सर बीमार रहा करती थी और बचपन से ही उसे डर था कि उसकी माता उसे छोड़कर चले न जाए। तो प्रेजेंट पोएम में जिसका नाम है माय मदर एट 66, कमला दास बता रही है अपनी मदर के बारे में कि किस समय का मौका था। शुक्रवार के दिन वह अपने माता पिता के घर से कोचीन आ रही थी कार में बैठकर, और उसकी बगल में उसकी माँ मुंह खोले हुए सो रही थी, यानी कि सोने को थी, ऐसी कंडीशन में थी जैसे सोने को होता है व्यक्ति। और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उसके चेहरे का रंग राख जैसा चेहरा बताते हैं। इसका मतलब है इट मीन्स कि उसके अंदर खून नाम मात्र के लिए था, और कवित्री को डर था कि कहीं उसकी माँ बहुत जल्दी ही उसे छोड़कर चले न जाए। उसके बुढ़ापे को देखकर, उसके कष्टों को देखकर वह बड़ी दुखी थी, और उसे बचपन का दुख दोबारा याद आ जाता था क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ बीमार रहा करती थी। इससे अगले पैराग्राफ में, सॉरी स्टेंजा में क्या कहता है कवि, क्या कहते हैं कवित्री, इससे अगले स्टेंजा में बता रही है, आगे बता रही है कवित्री, वो अपना ध्यान बांटने के लिए जिससे उसे दुख ना हो, थोड़ी देर को फीलिंग बांटने के लिए उसने अपनी कार से बाहर देखा, उसने कहा देखा, उसने भागते हुए तेजी से भागते हुए पीछे को दौड़ते हुए पौधों को, पेड़ पौधों को देखा, और अपने घर से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित बच्चों को देखा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं, उनके अंदर कोई दुख नहीं होता, वे खुश होते हैं। तो उसने छोटे पौधों को देखा और छोटे बच्चों को देखा जो घर से बाहर की ओर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट की सुरक्षा के जांच के दायरे में आई, उसने एक बार फिर अपनी माता को दूर पर खड़े हुए देखा, और उसने उसके चेहरे पर बड़ा ही दुख महसूस किया। उसे देखकर उसे महसूस हुआ बड़ा ही बुरा सा लगा, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जिसके अंदर मतलब वीकनेस और कष्ट, उसके अंदर उसने वीकनेस और कष्ट पाए, और कवित्री बड़ी दुखी होती है उन्हें देखकर। और आखिर के स्टेंजा में क्या कह रही है कवित्री, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे शीतकाल के दिनों का चंद्रमा जो धुंधला का होता है, उस समय कोहरा होता है और चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, इसी तरह से उसकी माता का चेहरा बिना खून के, यानी कि उसके अंदर रक्त की कमी थी, पीला पड़ा हुआ था, पेल था, उसे डर था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चले न जाए। उसके बचपन का जो डर था वो दोबारा उजागर हो गया, और उसने लेकिन उसने केवल इतना कहा, फिर अपनी माता को देखकर मुस्कुराई और उसने केवल इतना कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। एक बार पहले कवित्री के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज कमला दास इज ए वेरी फेमस पोएटीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देख लेते हैं कमला दास 1934 टू 2009, आई मीन टू से 1934 में इनका बॉर्न हुआ और 2009 में इनकी डेथ हुई। देख लेते हैं शुरू से, कमला दास वॉज बॉर्न इन मैलाबार केरला, इनका जन्म मैलाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छे कवियों में कवियों से मानी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, कमला दास ने बहुत से शॉर्ट स्टोरियां और नॉवल्स लिखे हैं इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम दोनों ही भाषा में लिखा है इन्होंने। अब पोएम को शुरू से देख लेते हैं स्टेंजा वाइज, आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और ध्यान से देखना है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, अपने घर से अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए मैंने अपनी साइड में अपने बगल में अपनी माता को बैठे हुए देखा, मेरे बराबर में बैठी हुई थी सीट पर। डोज ओपन माउथ्ड हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप एंड रियलाइज विद पेन, वो मेरे बराबर में सो रही थी, सोने को थी, और उसका मुंह खुला हुआ था। और क्या कहती है कवित्री यहाँ पर, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई शव हो, उसका जो उसने वो किया है
एक तरह से अपनी माता का जो वर्णन किया है वो ऐसा किया है, यानी कि दोनों में तुलना करते करते हुए ऐसे कहा है जैसे एक शव हो, यानी कि वो ऐसी लग रही थी जैसे शव मात्र हो, जैसे उसके अंदर कोई जीवन नाम की कोई चीज ना हो। और उसने उसके चेहरे पर कष्ट महसूस किया, पेन देखा, दर्द देखा। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में वो इतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती है, यानी कि अब उसका उसे ज्यादा उम्मीद नहीं है कुछ ज्यादा दिन उसके साथ रहने वाली है, क्योंकि जल्दी ही उम्र जाएगी। क्योंकि कवित्री ने बचपन से ही अपनी माता को बीमार अवस्था में देखा है और उसे ये डर हमेशा सता रहा होता है कि वो कहीं उसे छोड़कर चले न जाए। आप देख लेते हैं इससे अगले स्टेंजा में कमला दास क्या कह रही है अपनी मम्मी के बारे में। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। लेकिन इसके बाद जो है वो बाहर देखती है, अपनी कार से बाहर की ओर देखती है, युवा बच्चों को भागते हुए देखती है और प्रसन्नचित बच्चों को घर से बाहर तेजी से निकलते हुए देखती है। परंतु एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद उसने फिर महसूस किया, फिर अपनी मम्मी को देखा कुछ दूरी पर खड़े हुए, अपनी मम्मी को देखा जो कमजोर थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके अंदर रक्त नाम की चीज नहीं थी। आखिरी की स्टेंजा में क्या कह रही है कवित्री कमला दास, द पोएटीज कमला दास, व्हाट डज द पोएटीज से क्या कहती है। एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माय चाइल्डहुड फियर। उसका चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसा शीतकाल के अंतिम दिनों का चंद्रमा, जो उस समय कोहरा पड़ता है और चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। इसी तरह से उसने तुलना की है अपनी माता के चेहरे की चंद्रमा से, शीतकाल के चंद्रमा से जो धुंधला दिखाई देता है, उस पर नाम मात्र की भी चमक नहीं होती। इसी तरह से दुखों के कारण, बीमारी के कारण उसकी माता का चेहरा भी बड़ा ही अजीब सा, रक्त के बिना पेल यानी कि पीला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और उसे बचपन का दर्द जो है उसे महसूस हुआ, उसे बचपन के दिनों की याद आ गई, उसे महसूस हुआ कि जल्दी उसकी माता उसे छोड़कर चली न जाए।